कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। अनिश्चितकालीन हड़ताल में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए और मांगे पूरी होने तक आंदोलन को जारी रखे जाने की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर दो सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल निगम मुख्यालय के समीप दूसरे दिन भी जारी रही। महंगाई भत्ता और HRA को लेकर की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान 4 माह पूर्व फेडरेशन द्वारा किया गया था, जिसके चौथे चरण में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। फेडरेशन के आह्वान पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस, नगर निगम भिलाई, स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ एवं अजाक्स के तमाम संगठनों द्वारा हड़ताल को अपना समर्थन दिया जा रहा है। मंगलवार को जारी हड़ताल में नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी और जोन के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल को जारी रखे जाने की जानकारी दी। हड़ताल में कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाते रहे। अनिश्चितकालीन हड़ताल की जानकारी संयोजक नगरी निकाय एवं नगर निगम प्रकोष्ठ के प्रवक्ता एवं महासचिव संजय शर्मा और BMS के अध्यक्ष राम वृक्ष यादव ने दी। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर दो सूत्री कारकों को लेकर के 34% के लिए, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, और HRA को लेकर के हम लोगों ने फेडरेशन ने जो अपना 4 महीने पहले जो आह्वान किया था, इसका यह चौथा चरण है जो 22 अगस्त से चालू हुआ है। हम लोग फेडरेशन के आह्वान पर कर्मचारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस, नगर निगम भिलाई एवं स्वास्थ्य साथी कर्मचारी महासंघ एवं अजाक्स के तमाम जो हमारे संगठन हैं, वह आज इस आंदोलन में है। शांतिपूर्वक आंदोलन नगर निगम भिलाई में चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। हमारे साथ 88 तो दल हैं और साथ में 5 दल और जुड़ गए हैं। न्यायिक संघ भी है जिसमें, और इसमें CMOs का ग्रुप भी है, नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारियों का और डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, तमाम लोग हमारे संघ के साथ में हैं। और हम लोगों ने आवश्यक सेवा को बिल्कुल भी ठप नहीं किया है। आवश्यक सेवा का छोड़ के हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से, आज 23 तारीख को दूसरा दिन है, चौथे चरण का दूसरा दिन है। पूरी उम्मीद है हमको फेडरेशन के हमारे कमल वर्मा संयोजक और छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस से परम आदरणीय VP शर्मा जी, राजेश चटर्जी जी दुर्ग जिले के संयोजक, और हमारे स्वास्थ्य साथी कर्मचारी संघ के हमारे जो प्रदेश मंत्री जो विष्णु प्रसाद चंद्राकर जी को से हमको पूरा विश्वास है, भरोसा है कि निश्चित तौर पे आज उनका बर्थडे है, सभी लोग जाएंगे उनको बधाई देने। और ऐसे जानकारी मिल रही है, ऐसे हिंट मिल रहा है कि बहुत जल्दी आज या कल में माननीय मुख्यमंत्री जी बुला करके एक बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। ये मांगों को लेकर के हम लोग आशावादी हैं कि मतलब हमको 22% मिल रहा है और मुख्यमंत्री महोदय जो है 6% DA बढ़ा दिए हैं, लेकिन 6% DA से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग पूरा अभी मतलब 28% हो चुका है। हम लोग चाहते हैं कि भाई 34% जो अन्य राज्य दे रहे हैं, वो हमको भी उन्हीं की भांति 34% DA मिले, HRA मिले। बहरहाल नगर निगम की अत्यावश्यक सेवाओं को हड़ताल से मुक्त रखा गया है। वहीं कर्मचारियों के हड़ताल पर होने की वजह से नगर निगम का कामकाज भी प्रभावित रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।